गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आई एक्सप्लेन योर लेसन 6 एंड टॉपिक इज बेस्ट वर्दी ऑफ जजमेंट सी. इट मीन्स न्याय के योग्य. विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ उज्जैन. विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस. वो अपने न्याय के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते थे. His judgment was so just and concrete. Concrete कहते हैं पत्थर. उनका जो न्याय होता था एक पत्थर की लकीर की तरह होता था. That both our parties accepted it and went away satisfied. और जो जिसके लिए वो न्याय किया करते थे वो दोनों पार्टी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होके और उनके न्याय को स्वीकार करके ही जाया करते थे. There is an interesting story behind his judgment seat. और ये जो आपके सामने आज मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ ये उन्हीं के जजमेंट सीट के ऊपर बनाई गई है. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लिसन टू केयरफुली. लॉन्ग टाइम बैक बहुत समय पहले की बात है. देयर वॉज ए पास्चर लैंड इन ए विलेज. एक गांव में पास्चर कहते हैं खाली मैदान घास का जहाँ पर पशु आके चारा खाते हैं. पीपल यूज टू सेंड देयर काउस टू ग्रेज इन द पास्चर लैंड. पीपल उस लैंड को यानी उस मैदान को अपने गाय के लिए चरने के लिए यूज़ किया करते थे. द शेफर्ड बॉयज हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन. वहाँ पर जो गडरिए होते थे वो भी वहाँ पर अपना समय बिताने जाते थे. वन डे द शेफर्ड बॉय एक दिन एक गडरिया जो लड़का था फाउंड ए माउंड ऑफ अर्थ अंडर द ट्रीज. एक पेड़ के नीचे उसे एक बहुत बड़ा टीला नजर आया. इट लुक्ड जस्ट लाइक ए सीट. वो एक सीट की तरह नजर आ रहा था. वन ऑफ द बॉयज जंप ऑन टू द सीट. उनमें से एक लड़का कूदा और उसके ऊपर सीट पे बैठा. सडनली अचानक से ही बिकेम ब्रेव एंड स्टार्टेड ऑर्डरिंग द अदर बॉयज. अचानक से जैसे ही वो सीट पे बैठा तो उसके अंदर वो एनर्जी वो पावर वो बहादुरी आ गई और वो दूसरे लड़कों को ऑर्डर देने लगा. आई विल गिव यू द जस्टिस. और उसने कहा कि मैं तुम्हारा न्याय करूँगा. द अदर बॉय saw fun in it and started quarreling. इसी तरीके से जो दूसरे लड़के थे वो खेल खेल में मजाक मजाक में झगड़ा करने लगे. द डिस्प्यूट डिस्प्यूट कहते हैं झगड़ने को वाद विवाद. द डिस्प्यूट वॉज ब्रोट बिफोर हिम. और जो उनका वाद विवाद था लड़ाई झगड़ा था उसके सामने लाया गया. ऑल द बॉयज वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट. सभी बच्चे चाहते थे कि वो झगड़ा सेटल हो जाए. द बॉयज ऑन द सीट लुक डिफरेंट. वो लड़का जिस सीट पर बैठा था वो दिखने में एकदम डिफरेंट हो गया. ही बिकेम साइलेंट एंड सीरियस. और अपने नेचर से साइलेंट और बिल्कुल गंभीर हो गया सीरियस हो गया. ही पास द जजमेंट इन सच ए स्ट्रेंज वॉइस. और वो न्याय करने लगा और उस न्याय करने में उसकी आवाज़ ही चेंज हो गई. दैट अदर वॉइस वर लिटिल फ्राइटेंड. वो जो दूसरे लड़के थे जो उसको सुन रहे थे उनके अंदर भी एक करने में उसकी आवाज़ ही चेंज हो गई. दैट अदर वॉइस वर लिटिल फ्राइटेंड. वो जो दूसरे लड़के थे जो उसको सुन रहे थे उनके अंदर भी एक अजीब सा डर देखने को बनता था. द जजमेंट सीट वॉज जस्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द कंसर्न डिस्प्यूट्स. और जिस तरीके से उन्होंने वो न्याय करा उन लड़कों के लिए न्याय करा उस लड़के ने वो झगड़ा जो है बहुत जल्दी सुलझ गया और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया. सून द न्यूज़ स्प्रेड इन द विलेज. जल्दी ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई. दैट ए फुलिश शेफर्ड इज डिलीवरिंग जजमेंट. कि एक मूर्ख गडरिया जो है बहुत अच्छा न्याय कर ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम. धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे विद देयर डिस्प्यूट्स अपने झगड़ों को लेकर एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड. और बहुत अच्छे से सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होकर वापस जाया करते थे. बट द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट. लेकिन एक बात जो थी वो बहुत अजीब थी. वैन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट. जैसे ही वो अपनी सीट से नीचे आ जाया करता था यानी उतर जाया करता था ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर शेफर्ड बॉय. तो वो दूसरे शेफर्ड बॉय के तरीके से ही दिखाई देने लगता था. और जैसे ही वो सीट पे बैठता था उसके अंदर एक अलग तरह की पावर एक एनर्जी को देखने को बनती थी. द वर्ड फर्दर स्प्रेड. स्प्रेड कहते हैं फैल जाना. और धीरे धीरे उसके जो शब्द थे उसकी जो प्रशंसा थी तारीफ थी वो धीरे धीरे फैलती चली गई. द किंग ऑफ उदयपुर ऑल्सो हियर्ड इट. उदयपुर के जो राजा थे उनको तक ये बात पहुँच गई. He thought that the seat certainly belonged to the king Vikramaditya. और उन्होंने सोचा वास्तव में जो शायद वो सीट है वो विक्रमादित्य से बिलोंग करती है. He ordered for execution at the site. उन्होंने
उस जगह का निरीक्षण करने के लिए ऑर्डर दिया। व्हाट वाज इट? ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स। और ये क्या था कि वो जो मार्बल का जो एक बहुत बड़ा पत्थर था उस पे दो हैंड बने हुए थे एंड विंग्स ऑफ 25 एंजल्स, और जो उसमें पंख निकले हुए थे वो एंजल के यानी परियों के थे। मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थर का बना हुआ था। श्योरली इट वॉज अ सीट ऑफ विक्रमादित्य, वास्तव में ये जो सीट थी वो विक्रमादित्य की ही थी। द किंग एक्सप्लेन्ड एंड थॉट, इफ जस्ट सिटिंग ऑन द सीट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय। और उस राजा ने फिर सोचा कि इस सीट को वहाँ अपने राज्य में बुलाकर रखवा लिया जाए और उस तरीके से शेफर्ड बॉय जो है वहाँ पे न्याय करने के लिए आए। इट वुड सिट ऑन द सीट एंड द स्पिट ऑफ किंग विक्रमादित्य वुड बी ड्रॉन ऑन टू मी। और राजा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सीट पर मुझे बैठना चाहिए और किंग विक्रमादित्य की तरह मुझे जजमेंट करना चाहिए। द सीट वॉज ब्रॉट टू द किंग पैलेस, और इस तरीके से उस सीट को राजा के महल तक लाया गया। ही गेव ऑर्डर ऑल फॉर 3 days फास्ट टू सैंक्टिफाई देमसेल्व, और उसने सभी लोगों को 3 दिन के लिए ऑर्डर दिया कि सब लोग अपनी अपनी जो प्योरिटी है, जो अपनी जो सच्चता है, पवित्रता है, उसको प्रूव करें। ही फिक्स्ड द 4th day फॉर द एस्केंडेंस टू द सीट, और 4th day उन्होंने उस सीट के पास बुलाया ताकि वो देख सकें कि कौन कितना सच्चा है। ऑन द 4th day पीपल गैदर टू सी द एस्केंडिंग ऑफ द किंग, और 4th day वो सभी लोग राजा के पास उस सिंहासन तक पहुंच गए। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सीट ऑन द सीट, जब राजा उस सीट पर बैठे, वन ऑफ द एंजल बिगेन टू स्पीक, तभी एक एंजल यानी एक एंजल कहते हैं परी की आवाज़ आई। स्टॉप, रुको। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने परी ने कहा, क्या तुम इस विक्रमादित्य के न्याय की सीट पर बैठने के लिए लायक हो, उसके योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल द किंगडम्स डेट वर नॉट योर्स, क्या तुमने अपने इस राज्य के लिए बहुत अच्छे रूल, जो अपनी इच्छाएं हैं उनका दमन किया है, क्या तुमने उनकी हेल्प की है? द किंग कुड नॉट गिव एन आंसर, राजा ने कोई आंसर नहीं दिया, वो दे ही नहीं सका। ही न्यू, वह जानता है, हिज लाइफ वॉज नॉट जस्ट एज, कि उसका जीवन ऐसा नहीं था, उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया था अपने राज्य के लिए। दैट ऑफ विक्रमादित्य, ही सैड नो आई एम नॉट वर्दी, तो वो बोले कि नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू प्योरीफाई योर सेल्फ, स्पोक द एंजल, और एंजल ने कहा कि जाओ 3 दिन के बाद आना और अपने को प्योरीफाई, तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम वाकई में अंदर से बिल्कुल पवित्र हो। द एंजल वैनिश्ड अवे, और ऐसा कह के वो एंजल गायब हो गई। द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days, राजा 3 दिन तक प्रे करते रहे एंड केम बैक टू द सीट टू एस्केंड, और फिर उस सीट के पास पहुँचे। दिस टाइम ही फेल्ट कॉन्फिडेंट, इस समय वो पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। बट वॉट हैपन, लेकिन ये क्या, एज ही केम नियर द सीट द सेकेंड एंजल स्पॉक, जैसे ही वो सीट के पास पहुँचे उसमें से सेकेंड एंजल आई और बोली, इफ यू नेवर विश टू ऑन विच इज नॉट बिलोंगिंग टू यू, यू मे सीट, उसने कहा कि क्या तुमने कभी अपने पास ज़्यादा धन होने की इच्छा नहीं की, क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम और ज़्यादा धनी बन जाओ, अगर तुमने कभी ऐसा नहीं चाहा है तो तुम बैठ सकते हो। द किंग थॉट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट वर्दी टू सीट, और उस समय राजा ने सोचा कि वो अभी भी उस सीट पे बैठने के योग्य नहीं है। द सेकेंड एंजल फ्लू अवे एडवाइजिंग हिम टू प्योरीफाई हिमसेल्फ, दूसरी एंजल ने भी उसको यही बोला कि जाओ पहले अपने आप को प्योरीफाई करो और उसके बाद आना। दिस वे ऑल बट वन एंजल हैड फ्लॉन अवे। व्हेन द किंग केम नियर द सीट फॉर द लास्ट टाइम, और जब लास्ट टाइम वो राजा उस सीट के पास आया, द लास्ट एंजल ने भी उसको यही बोला कि जाओ पहले अपने आप को प्योरीफाई करो और उसके बाद आना। दिस वे ऑल बट वन एंजल हैड फ्लॉन अवे। व्हेन द किंग केम नियर द सीट फॉर द लास्ट टाइम, और जब लास्ट टाइम वो राजा उस सीट के पास आया, द लास्ट एंजल एस्क, तो आखिरी जो एंजल थी उसने कहा, इफ़ योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ ए चाइल्ड, अगर तुम्हारा दिल एक बच्चे की तरह बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है, यू आर इंडीड वर्दी टू सीट
ऑन दिस सीट, तो वास्तव में तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो। नो डिनाइड द किंग, राजा ने कहा नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी फॉर सीता सीट, नहीं मैं इस सीट के योग्य नहीं हूँ। द लास्ट एंजल फ्लू अवे सडनली कैरिंग द जजमेंट सीट ऑन हर हेड, और लास्ट एंजल अचानक से उड़ गई और वो जजमेंट सीट को अपने साथ ले गई। यू वुड बी नोइंग विक्रम संवत द हिंदू ईयर विच ऑल्स इट ओरिजिन टू किंग विक्रमादित्य, और उसने कहा कि तुम्हें जान लेना चाहिए कि विक्रम संवत जो हमारा हिंदू जो हमारा साल होता है वो किंग ऑफ विक्रमादित्य की ही देन है, उन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी। थैंक यू सो मच।